हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी और जेईई मेंस 2021 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन ही करना, अभी आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन वेट करो और फिर बाद में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। मैंने अभी सुबह एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा बेस्ट अटेम्प्ट नंबर होना चाहिए और सिक्वेंस कैसी होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भैया जो मार्किंग सिस्टम है उसमें क्या नया चेंज आया है और उसमें हमें कौन सी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये पब्लिक नोटिस जो है उसको मैंने ओपन कर लिया आपके सामने। अब यहाँ पे ये वाला सेशन ध्यान से समझते हैं। बीई बीटेक पेपर वन जो हमारे बच्चे इसी में आते हैं, ठीक है। अभी तक जब इनिशियल लेवल था 13, 14, 15, 16 तब 30-30-30 क्वेश्चन आते थे और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते थे, ये पैटर्न था। फिर इन लोगों ने क्या किया, 30 की जगह 25 कर दिए और वो 25 में क्या था, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एंट्री। न्यूमेरिकल एंट्री मतलब कि आपको कुछ डालना पड़ेगा वैल्यू उसमें, 5, 10, 15, 20 जो भी आपका आंसर आया हो। अभी इन लोगों ने फिर से चेंज किया है और इन लोगों ने रीजन ये दिया है कि जो हर स्टेट में डिफरेंट सिलेबस है तो उसको जो वो जो प्रॉब्लम है कि भैया इसने ज्यादा पढ़ा इसने कम पढ़ा है, वो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने ये काम किया है। तो क्या है, पहले देखते हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री दो सेक्शन दे दिए, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप देखो 20-20-20 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 20-10-10-10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल 30-30-30 फॉर ईच सब्जेक्ट और टोटल हो जाएंगे 90 क्वेश्चन। अब इसमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान से समझ लो और इसको नोट डाउन कर लो। ये मिस्टेक बहुत करेंगे बच्चे क्योंकि नया पैटर्न है तो ये नहीं होनी चाहिए हमसे। क्या लिखा है मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, यही ये जो चार लाइन है वही सब कुछ इसमें बता देती है। क्या है, ईच सब्जेक्ट विल हैव टू सेक्शंस, सेक्शन ए विल बी मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यू होंगे एंड सेक्शन बी विल कंटेन क्वेश्चंस हुज आंसर्स आर टू बी फिल्ड इन एज न्यूमेरिकल वैल्यू। सेक्शन बी में क्या होंगे कि वही क्वेश्चंस होंगे कि जो आपको न्यूमेरिकल एंट्री जैसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। इन सेक्शन बी कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। न्यूमेरिकल एंट्री में वैसे भी नेगेटिव नहीं होता है और यहाँ पे आपको बोल दिया है कि 10 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये बात याद रखना। मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, अब यहाँ आके मैं समझाता हूँ। ये जो पहला है मैथ्स वाला उसमें 20-20-20 आप देख रहे हो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के ए सेक्शन में जो एमसीक्यूज है, तो ये एमसीक्यूज में आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है। एक भी एमसीक्यू छोड़ोगे तो आपका नुकसान होगा, याद रखना एमसीक्यू नहीं छोड़ना है। मैं ये सेंटेंस 4 बार बोलूंगा तो आपके दिमाग में घुस जाए, एमसीक्यू नहीं छोड़ना है, एमसीक्यू नहीं छोड़ना है, एमसीक्यू नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। ये पहली चीज, तो ये जो 60 क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी है, ये बात याद रखना। थोड़ी छूट मिली है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं खुश होना है, इन लोगों ने भी समझदारी से काम लिया है। और दूसरी जो छूट मिली है, यहाँ पे आ जाओ, 10-10-10 क्वेश्चन दिख रहा है, वो है न्यूमेरिकल एंट्री, मतलब आपको कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, आपको कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो उसमें 10-10-10 क्वेश्चन है, उसमें से आप किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो ईच सेक्शन में है। कई बच्चे मुझे बोल रहे थे सर 30 में से 15, बात वैसे सही है लेकिन 10 में से 5 है वैसे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेट्स से कि मुझे मैथ्स आता है, मैंने 30 में से 10 मैथ्स के 10 के 10 कर दिए, केमिस्ट्री के 5 कर दिए और मैं फिजिक्स से बोलूंगा कि नहीं मुझे 10 के 10 नहीं करना है, तो ऐसा चलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। 30 में से 15 तो है लेकिन सब्जेक्ट वाइज 10 में से 5 है, वो याद रखना। तो मैथ्स में से 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अगर टफ लगे जो वो आप छोड़ सकते हो, सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये बात याद रखना है, टोटल 90 में से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये सेंटेंस बोला था कि 90 में से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि 90 में से 60 क्वेश्चंस तो कंपलसरी है, एमसीक्यू वाले कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। बाकी के जो 30 क्वेश्चंस है उसमें हर एक चैप्टर में जो 10-10 पार्ट है, 10-10 क्वेश्चन है, उन 10 में से 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, 5 क्वेश्चंस अगर टफ लगे तो उसे छोड़ सकते हो। तो आई होप कि ये जो फंडा है पूरा वो चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और दो शिफ्ट में एग्जाम होनी है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। फर्स्ट शिफ्ट होगा 9 से 12, सेकंड शिफ्ट होगा 3 से 6। तो ये था एग्जाम का जो स्कोर है किस तरह से इस बार जो चेंज आया है वो मैंने बता दिया है आपको। हमारे लिए यही सीखना यही जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप ये आपको ये भी चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इस पर और वीडियोज में आज बनाने वाला हूँ और मैं बनाता रहूँगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत ही आपको मिलती रहेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।